यस सर। बाइक दिखा, बाइक दिखा। आस पास में सर्विस सेंटर इसका, इसमें से ये देखो देखो भाई, मतलब हाय जोहार, नमस्ते सभी को। द कैप्टन ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और भाई मेरी बाइक जो चल चुकी है वो 5310 किलोमीटर, सो दैट मींस कि इसका सेकंड सर्विस का टाइम आ चुका है। अभी मैं हूँ अपने एक गेस्ट हाउस पे, अब यहाँ से निकलूँगा, मैं जाऊँगा सीधे इसका सर्विस कराने। तो देख सकते हो कि जैसा कि मैंने इसका डेल्टा आई डी हटा दिया था, और अभी जा रहा हूँ इसकी सर्विस कराने फटाफट, उसके बाद देखेंगे फुल सिस्टम का क्या करना है, और निकलते इधर से जल्दी से हम लोग। तो भाई बाइक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे सेकंड सर्विस कराना, जैसा कि इसका ऑडोमीटर काम नहीं कर रहा, तो उसको तो पहले मैं ठीक करवाऊंगा। उसका जो ABS प्लेट है उसे ठोक ठोक के ठीक करवाऊंगा, और ABS फेलियर आ रहा है, दैट मींस कि ये बहुत ज़्यादा ही बुरा चीज़ है एज अ बाइकर्स, कि आपका ABS हमेशा वर्क करते रहना पड़ेगा। और लगभग 5310 किलोमीटर मैंने चला लिया इसे, तो अब सेकेंड सर्विस की बारी आ चुकी है। तो जल्दी से जाते हैं इसका सर्विस कराते हैं और बेका को बनाते हैं भाई भाई। तो भाई इसका टाइम आ गया है बिल्कुल भी, और मैं हूँ अभी एग्रीकल्चर पे, और ये जगह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है भाई। ये है एग्रीकल्चर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक यूनिवर्सिटी है भाई, और यहाँ का जो माहौल है ना वो अलग ही लेवल का है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई वाला पूरा फील आता है आपको। तो ये है, तो शुक्र है कि हम लोग कांके में हैं। ये देखो बच्चा बच्चा देख रहा था। तो भाई चलते हैं अब और एंजॉय करते हैं इस राइड को। देखो बच्चे लोग जा रहे हैं ना, तो ये लोग देख रहे हो एक्सल, ओह भाई देखे। तो ये है रिस्पांस, तो यार बच्चे लोग का प्यार। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने एक बच्चे को डांट दिया था, तो मेरे को बहुत गाली पड़ी थी यार कमेंट सेक्शन पे, कि भाई आप बच्चे को क्यों गाली दिए, या मतलब डांटे क्यों। तो भाई कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों को डांटना पड़ता है। मैं अपनी बाइक से बहुत प्यार करता हूँ कसम से, और उम्मीद करता हूँ कि सेम प्यार लोग इसे करें जैसा मुझे करते हैं। और थिंग इज़ दैट ना, कि जब इसमें कोई रैप वगैरह या कुछ भी चीज़ करता है ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। और सपोज़ दैट उस टाइम अगर गाड़ी ऑन रहती और किसी प्रकार से उसने एक्सीलेटर खींच दिया होता, तो भाई गाड़ी उड़ जाती भाई, तो भाई गाड़ी उड़ जाती, ठीक है। तो ये सीन था, देखो 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 जानम हम दिल, इसलिए मैंने उसे डांटा था। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं यार किसी बच्चे को डांटने का, ना मुझे हक है, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं बच्चे लोग की वजह से, बच्चों के प्यार की वजह से। अगर बाबू आप वीडियो मेरी देख रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर माय बिहेवियर, और आशा करता हूँ आज के बाद वैसा नहीं करूँगा, और आशा करता हूँ आप भी ऐसा नहीं करोगे मेरी बाइक के साथ। ओके तो भाई मेरे से अगर कोई Z900 का रिव्यू मांगेगा ना, कि आपको ये बाइक चलाने में कैसी लगी, तो भाई नो डाउट ये बीस्ट है, मॉन्स्टर है यार मॉन्स्टर। और मतलब इसकी परफॉर्मेंस वाइज माइलेज वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका, मतलब ठीक है तेल पीती है, बट जैसा ये पावर प्रोवाइड करती है ना, उसके हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। और थिंग इज दैट कि अगर बात करते हैं इसकी डीमेरिट की, तो भाई साहब ये जो फेलियर आ रहा था अभी देखो तुरंत बंद हुआ, जस्ट बंद हुआ, ये चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ इसका। और ये सबसे डेंजरस चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर, अगर आपका ABS फेलियर दिखा रहा है, दैट मीन्स कोई ABS फेलियर है, ठीक है। और उस टाइम जब आप क्रैकिंग वाले व्हीली क्या बोलते ब्रेकिंग करोगे ना, तब होगा नहीं, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ पे ध्यान देना है, अदरवाइज सब चीज़ बढ़िया। और कुछ क्या बोलूँ, अब तो यार ऐसी खाली रास्ता देख करके भी मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, और जब तक ये मन से जाएगा नहीं ना यार, वो घटना जो भाई का था, तब तक बहुत मुश्किल होगा ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। नहीं तो इतना खाली रोड देख करके तो मैं ज़रूर कर देता व्हीली, बट रहने देते हैं अभी कुछ दिन के लिए, क्योंकि क्या बोलूँ मैं यार, मतलब मेरे पास तो वर्ड नहीं है भाई। पिछले वीडियो में मैं बता दिया था जितनी मेरी एक्सप्रेशन थी,
कि लोग कैसे एक दूसरे को आजकल वो कर रहे हैं, नया तरीका अपना लिए हैं लोगों को ट्रोल करने का कि मैं सबसे अच्छी वीली करता हूँ या मैं सबसे ज़्यादा अधिक करता हूँ। तो यार ये चीज़ हम लोग कभी नहीं किए थे अपने लाइफ में यार, अभी तक टिल डेट नाउ आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया, बट देखते हैं तो बुरा लगता है भाई। ये क्या भाई, अरे पागल है क्या, देख रहे हो भाई पूरा पानी भरा हुआ है वहां, ज्यादा पानी भरा हुआ है भाई रोड पे। क्या बात है यार। अच्छा जो मैंने बताया आपको, आगे में पानी जमा हुआ है पूरा और मेरी डेल्टा आईडी खुली हुई है, अगर मैं उसमें से ये देखो देखो भाई, मतलब लोग कैसे चलाते हैं वो देखो आप, देखो मैं उधर से आ रहा था एक्चुअली में और उधर पूरा पानी भरा हुआ है, सो दैट्स व्हाई मैं उधर से ना आ करके आगे से घूम करके रॉन्ग साइड से आ रहा था। तो भाई आज आपका भाई पूरा डिटेल्स देगा कि Z9 आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर इसमें कितने खर्च आता है, सेकंड सर्विस में कितना खर्च आता है या सेकंड सर्विस के बाद कितना खर्च आता है। यार ये बहुत मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सोच रहा है, एक मिडिल क्लास बंदा जो सोच रहा है कि ये देखो मतलब भाई साहब अंधेर नगरी चौपट राजा। चलो फिर आगे चलते हैं। सो भाई चलते चलते हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अब अपने कावासाकी रांची शोरूम और सर्विस सेंटर के पास, तो भाई जल्दी से पहुंचते हैं और अपना काम स्टार्ट करवाते हैं भाई। पहले तो ये रहा रांची का कावासाकी शोरूम और सर्विस सेंटर, देखते हैं आज खुला है कि नहीं खुला है। भाई खुला तो है, ये देखो ओके ये रहा सर्विस सेंटर, बाइक अंदर ले जानी है, चलो अंदर ही ले जाते हैं। सर्विस करवानी थी सर, सेकंड सर्विस 5000 कुछ चल गया, 5300। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कावासाकी के सर्विस सेंटर और शोरूम पे, और भाई ये रहा कावासाकी का ब्यूटीफुल सर लोकेशन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले पिछले वीडियो में भी डाल चुका था कि कहाँ पास ये है सर्विस सेंटर, तो आप वहाँ आ सकते हो। हाँ रांची के लोकल हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पॉजिटिवनेस ही जाता है हर जगह। हाँ हाँ सर्विस है ओके। तो भाई अब निकल रहा हूँ मैं इधर से, थिंग इज दैट ना कि इनके पास अभी ऑयल फिल्टर नहीं है, जिनकी वजह से अभी सर्विस नहीं हो पाया। तो मुझे ओ हो 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 यस सर, रेनकोट है सर, रेनकोट और इसमें पेपर है सर गाड़ी का सर्विस वाला, और ये चार्जर है सर। यही सर्विस कराने गए हैं सर, वो टूट गया था कोई ढक्का। 12 लाख सर, 12 लाख बारह बारह लाख 12 लाख का जी जी, यहीं पास पास में सर्विस सेंटर इसका। अरे यार 12 लाख का और क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 सर, 10 से 15 ठीक है सर, थैंक यू। बच गए रे भाई बच लगा, नंबर प्लेट के लिए उन लोगों ने पूछा तो मैं बोल दिया यार अभी तो सर्विस करा के आउट ठोक दिया था कोई। कसम से यार बहुत गलत सीन था, अभी पूरा चलान कट गया। ओ भाई ये क्या, ये पूरा रोड चेक दिया यार, कौन सी गाड़ी है भाई, क्या कर रहे हो भाई, ये देखो पूरा जाम लग गया। मेरे को लगा मेरा चलान कटा भाई, पूरी तरीके से मेरा फट गई थी भाई ना मेरे पास। क्या बोलोगे, एक साथ दोनों काम तो नहीं हो पाया मेरा, ड्यू टू
अभी कोई भी अगर कावासाकी में जाता है सर्विस कराने के लिए ना, तो पहले कॉल कर लेना यार, क्योंकि इन लोगों के पास पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है, ऑयल फिल्टर अवेलेबल नहीं है, तो आपको परेशानी वापस जाना पड़ सकता है। तो मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, मेरे को वो बहुत पास पड़ता है, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप दूर से आ रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब तक मेरे ब्लॉग्स में व्हीलीज वगैरह नहीं आएंगे भाई, और प्लीज़ सपोर्ट करना जैसा प्यार पहले दिखाते थे, और अगर अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो।